दूसरे जायकों में। दंत कथा है कि केरल के पौराणिक प्रिय राजा महाबली अंधलोक पाताल से आरोहण के बाद तिरुवणम के दिन अपनी प्रजा से मिलने जाते हैं। भगवान विष्णु के भक्त महाबली विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे। वह एक धर्मी और परोपकारी व्यक्ति थे और अपनी सभी प्रजा के साथ सम्मान व्यवहार करते थे। उनके शासन काल में कोई गरीब अपराध या क्रूरता नहीं थी। महाबली एक राक्षस राजा होने के बावजूद उसका राज्य अपने सबसे शानदार दौर में था और उनके लोग उसे प्यार करते थे। हर गुजरते दिन के साथ महाबली की प्रसिद्धि बढ़ती गई, जिसे देवताओं को क्रोधित कर दिया। शक्ति खोने के डर से उन्होंने भगवान विष्णु से महाबली को रोकने में उनकी सहायता करने की भीख मांगी। देवताओं की बात सुनकर श्री विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर राजा महाबली से दान में 3 पग भूमि मांग ली। वामन भगवान ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। 3रा पग रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। जब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया, वामन भगवान ने पैर रखकर राजा को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसके पहले राजा महाबली ने साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आने की आज्ञा मांगी। सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसी खुशी में मलयाली समाज ओणम मनाता है। ये बच्चा ट्रांस में जाता है डांस करते करते। बस हमारे अपार्टमेंट गोदरेज एक्वा में ओणम सेलिब्रेशन हुआ था जो मलयाली कम्युनिटी ने किया था, जिसमें इन्होंने फ्लावर डेकोरेशन किया है पूरे क्लब हाउस के अंदर, और बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन था जिसमें महाबली को पेंट करना था। काफ़ी सारे बच्चों ने इस कंपटीशन में भाग लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके नाम लगा के सब लोगों को डिस्प्ले किया गया है, और इसमें से एक विनर भी चूज़ किया गया जिन्हें प्राइज़ दिया गया। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए टग ऑफ वॉर, स्पून रेस, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की गई थी अपार्टमेंट के अंदर, जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। ये आप देख सकते हैं लेडीज़ लेमन रेस में पार्ट लेते हुए, और एक उसमें से विनर है, बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं। बच्चों का भी पार्ट हुआ, बच्चे भी हैं, बट उस दिन काफ़ी हवा चल रही थी तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एक्वा की एक्वा ओणम लेडीज जो सेलिब्रेट करने आई हैं, 5 पैसे की मेहनत नहीं करी इन्होंने इसको बनाने में, लेकिन आके बैठ गई अपना हक दायर करने के लिए।